हेलो जी, नमस्ते। मैं किशोर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम एक बुक लेके आ रहे हैं, और आपने देखा कि उस बुक का हमने कवर पेज भी लॉन्च किया था पिछले वीडियो में। उस बुक के अंदर टोटल हेल्थ, जो कि हमारी 10 प्रकार की होती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, रिलेशनल, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड प्रोफेशनल, फाइनेंशियल एंड इथिकल, उन सब बिंदुओं के ऊपर इस बुक में बात करने वाले हैं। अभी 40 बिंदुओं में से 20 बिंदुओं पर बात करने वाला हूं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस बुक में भी मिलने वाली है, और वीडियो फॉर्मेट में मैं अभी दे रहा हूं। ये जो सेल्फ अवेयरनेस के पॉइंट्स है, ये मिराकल्स हैं, हम सब के लिए, हमारी लाइफ के लिए टिप्स बनने वाले हैं, जो कि हमारी टोटल स्वास्थ्य को बनाए रखने में हेल्पफुल है, टोटल वेलनेस के लिए, वेलबींग के लिए हमारे लिए अच्छा है, हारमोनी के लिए अच्छा है, ब्लेस लाइफ उसके लिए बहुत ही अच्छे हेल्पफुल होंगे, पीसफुल लाइफ के लिए भी जबरदस्त ये बिंदु है। तो अभी मैं बात करता हूँ आगे से, आगे आप पूरा वीडियो देखते रहिए। पहला बिंदु, पावर ऑफ प्रेइंग, प्रार्थना करना है हमें किसकी, भगवान की। भगवान बोले तो प्रकृति, जिसने हमको इस दुनिया में भेजा है, मेडिटेट करते हुए हम खुद भी भगवान है। उस वजह से हमें क्या फायदा होता है, क्योंकि हमें बहुत शांति मिलती है, हमें साहस मिलता है, हमें शक्ति मिलती है, और ये सब चीजें हमारी बीमारियों से छुटकारा देने में किसी भी मेडिकल दवाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हमें ये आदत के रूप में डाल देना चाहिए, रात को सोते समय, दिन में कुछ भी बुरे काम गलती से हुए हैं तो भगवान से माफी मांग लेना चाहिए। और हमारे बुजुर्ग लोग ऐसा करते हैं, हमने कभी ध्यान दिया होगा, नहीं तो आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, और सुबह उठ करके एकदम जोश में, आनंद में भगवान को धन्यवाद देते हुए उठेंगे कि आज हमें हमारी हेल्प करना, हम दुनिया में कुछ बड़ा अच्छा काम करें। हमें हमेशा इस प्रकृति का, भगवान नाम की कोई शक्ति का थैंकफुल होना चाहिए, जिन्होंने हमें मानव जीवन दिया है, और मानव हमेशा सोचने की क्षमता की वजह से पूरे ब्रह्मांड पे राज करता है। पॉइंट नंबर दो, हमें हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान द्वारा बनाई हुई रचनाओं में से हम सर्वश्रेष्ठ रचना है, जो किसी एक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए इस धरती पे आए हैं। हमारा यह भाव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान को, आत्मविश्वास को बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट है, हमें हमेशा खुद को समझना चाहिए, खुद का मान सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए खुद का, और खुद के लिए जीना चाहिए। होता क्या है, कई लोग बोलते हैं हम तो सेवा करते हैं, और खुद वैसे अपनी खुद की एक इमेज नहीं बना पाते, उसी वजह से हमारा देश या सबका विकास नहीं हो पाता है। हम खुद सुधरेंगे तो दुनिया सुधरेगी। पॉइंट नंबर चार, हमें दूसरों को समझना चाहिए, और उनमें से जो हमारे लिए सही हो उसका चूज करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तो हमें उसका, उस ग्रुप का, उस समूह के कर्मा का फल हमें भी मिलने वाला है। तो हमें क्या भोगना है, यह बहुत मायने रखता है, खुद उसमें से चूज करेंगे। बिंदु नंबर पांच, हमें सम्मान रूप से सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए सभी लोगों का, वर्ग, जाति, धर्म या राष्ट्रीयता के बावजूद। और हमें हमेशा हमारे माता पिता से, गुरुजनों से, बड़े लोगों से और सभी लोगों से आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। ये हम सब के लिए बहुत ही पावरफुल हेल्प होता है जीवन में। कई काम जो होता है दवाओं से नहीं, दुआओं से और अच्छे आशीर्वाद से काम बन जाते हैं। बिंदु नंबर छह, गहरी नींद का महत्व हम सब लोग जानते हैं। नींद पूरे जीवन में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छी नींद के लिए समय होता है रात को 9 बजे से सुबह का 5 बजे के बीच में, कोई भी समय होता है जो 6 से 8 घंटे का हो सकता है, वो हमारी एज, हमारे प्रोफेशन के अनुसार होना चाहिए, और लगातार हमें उसको पालन करते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है नींद। बिंदु नंबर सात, हमें हमेशा टॉक्सिन को बॉडी से निकालना चाहिए, वो निकलता है हमारा बोल मूवमेंट में, स्टूल के रूप में, यूरिन के रूप में और पसीने के रूप में। तो हमें कभी कभी पसीने वाला काम भी करना चाहिए, एसी रूम में रहते हैं गुड, लेकिन वो करना चाहिए, नहीं तो आजकल नए मॉडर्न तरीके के जो सोना स्टीम रूम आ गए हैं उसमें जाइए, तो ये टॉक्सिन बॉडी से निकलेंगे, वो बहुत ही हेल्पफुल है हमारे
अच्छी हेल्थ के लिए, स्किन को अच्छा रखने के लिए और हमारे ऑर्गन को मजबूत रखने के लिए। इसमें क्या होता है कि कई अलग अलग तरीके हो गए हैं। आजकल हम जो कमोड यूज कर रहे हैं उसकी अपेक्षा जो इंडियन सिस्टम जो पहले बैठने वाला था वो बहुत अच्छा था, तरीका वो सही था, क्योंकि वहाँ पर जब हम बैठते हैं तो स्टूल बहुत अच्छे से पेट से बाहर निकलता है, पेट के लिए भी अच्छा है और पैरों के लिए भी मजबूती के लिए अच्छा रहता है। वहाँ एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी बड़े अच्छे से प्रेस होता है। और हमें भोजन के बाद पानी पीना है 1 घंटे बाद, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जब भी हम पेशाब के लिए जाएंगे तो हमें उसके बाद थोड़ा पानी पीने की आदत होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और खाना खाने के बाद हमें पेशाब के लिए भी जाना चाहिए, वो भी बहुत हेल्पफुल है, उस वजह से हमें डायबिटीज जैसे गंभीर रोगों से बचने में हेल्प मिलती है और ये ज़्यादा कठिन नहीं है। भोजन के बाद आप नहीं आता तो भी कुछ दिन तक जाइए, फिर बाद में ऑटोमेटिक आपको आदत पड़ जाएगी, भले ही मात्रा में पेशाब कम रहेगा बाहर, लेकिन बहुत अच्छा है हम सब के लिए। फिर हमें पानी कंटिन्यू थोड़े थोड़े पीते रहना है, ये भी ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 8, पानी कितना पीना चाहिए, उसकी क्या मात्रा होती है, किसके लिए कितना होता है, वो सब अलग अलग एज, आपका एक्टिविटी, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका व्यापार पेशा क्या है, आप क्या खाते हो, उस टाइम सीजन कौन सी है, आप कहाँ रहते हो, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग ये तय किया जाता है, सभी के लिए एक समान नहीं हो सकता है। इसके लिए आप अपने नज़दीक के किसी भी नेचुरोपैथिस्ट या होलिस्टिक थेरेपिस्ट से कंसल्ट भी करके रखिए और एक प्रॉपर चार्ट बना लीजिए पानी का और डाइट का, बहुत अच्छा होगा, हेल्पफुल। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, सुबह जब हम उठते हैं तो हमें 1.25 लीटर से लेकर के 0.5 लीटर के बीच में कोई भी एक मात्रा हल्का गर्म करके पीना चाहिए, खाली पेट सुबह उठते ही डायरेक्ट, उस वजह से वो पानी हमारा सारा मुंह के अंदर कुछ बनती है लार्स वगैरह वो लेकर के पेट की आंतड़ियों को साफ करेगा और प्रेशर अच्छा बनेगा और स्टूल अच्छे से बाहर पूरा निकल जाएगा, तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। खाना खाने से 1/2 घंटा पहले पानी पी लेना चाहिए, उसके बाद नहीं पीना, मतलब 1/2 घंटा पहले तक पीना चाहिए, उसके बाद नहीं पीना है, और खाने के बाद 1 घंटा बाद। तो हमें पानी के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और नॉर्मल पानी ही पीना चाहिए। रात को सोते समय भी हमें थोड़ा सा पानी कुछ घूंट पी के सोना चाहिए ताकि वो भी अंदर डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से हो, सारे ऑर्गन्स अपना काम करें, किडनी को तकलीफ ना हो। पॉइंट नंबर 9, हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें प्रकृति के साथ खुले में फ्रेश हवा में घूमने की कोशिश करना चाहिए, वो हमें हेल्प करता है हमारी स्ट्रेस को हमसे अलग करने में, दिन भर की भागदौड़ की जिंदगी के तनाव से हमें अलग करने में हेल्प करता है और एकदम हमें शांत करने में हमारी सहायता करता है। यह हमें कोशिश करना चाहिए 15 से 30 मिनट हो सके तो वॉकिंग, नहीं तो जॉगिंग भी कर सकते हैं, ये हमारी टोटल फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए जबरदस्त हेल्पफुल है। कोशिश करिए, जरूर होगा, सुबह करिए नहीं तो इवनिंग में करिए। पॉइंट नंबर 10, हमें हमेशा एक सूटेबल स्पोर्ट्स एक्टिविटी या योगा, एक्यूप्रेशर, डांस, म्यूजिक या कोई भी एक हॉबी का चुनाव करना चाहिए। अच्छा लाइट सॉफ्ट म्यूजिक सुनना जो हमें सूट करे हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, वो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि म्यूजिक हमेशा से हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक रहा है। एक्सरसाइज करने की कोशिश रेगुलर करना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छी आदत को हमें एडॉप्ट करना चाहिए, नहीं तो फास्ट वॉकिंग करने का है वो हम सब के लिए बहुत अच्छा है, तो उसमें से हमें कुछ ना कुछ हमारे लिए रखना चाहिए। हमें पॉइंट नंबर 11, हमें स्ट्रेस से बचना चाहिए और अत्यंत धैर्य के साथ असुविधा की स्थिति का सामना करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। इसके लिए हमें अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, अच्छे विचार रखना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए और अच्छा मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करते हुए भी स्माइल मेडिटेशन, ये सब हमारे लिए बहुत अच्छे हेल्पफुल होंगे। किसमें कि हमें उससे करुणा के लिए बहुत अच्छा है, हमारा हैप्पीनेस के लिए अच्छा है और हमारे लंबे जीवन के लिए सब लाभदायी। हाँ, ये सब गुण वाले मेरे एक मित्र हैं और एक मेरे साला जी हैं,
जब भी उन्हें उनको देखूं या उनको कोई भी देखे तो वो हंसते रहते हैं। जो मेरे साला जी है वो मेरे साथ ही हैं, तो जो मेरे मित्र भी आते हैं तो सीधा आते ही मिर्जा तो देख लेते हैं और सीधा पूछते हैं वो कहाँ है। और महाराज उनसे क्या काम है, जब आप मेरे मित्र मेरे से बात करो, लेकिन वो मेरे दोस्त मेरे साला जी के बारे में क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनका चेहरा ही ऐसा है, हसमुख चेहरा, तो वो देखने से आनंद मिलता है। तो दोस्तों ये जो है हमारी अंदर की खुद की खुशी दूसरों को भी खुशियां देती है, तो ये बहुत जरूरी है। हमें तनाव से दूर रह करके हमेशा मस्त स्माइल में रहना है। पॉइंट नंबर 12, हमें हमेशा वास्तु शास्त्र वास्तु विज्ञान जो कि कुदरत के नियम है उसमें कुछ पर्टिकुलर जगह में पर्टिकुलर चीज होनी चाहिए, उनका हमें पालन करना चाहिए। वो हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक दिशा का अपना महत्व है। गलत दिशा में कुछ भी होने से हमें जीवन में बहुत नुकसान आता है, हम बीमार रहते हैं और हमारा जीवन अस्त व्यस्त रहता है, पॉजिटिव एनर्जी हमें मिल नहीं पाती, अच्छा सोच के भी हम अच्छा कर नहीं पाते हैं। तो वास्तु शास्त्र के नियम हैं उनका भी पालन करना चाहिए। यह चाइना में फेंगशुई के नाम से भी जाने जाते हैं। लगभग हर देश में प्रकृति के अपने नियम हैं, उसका बेनिफिट हम सबको लेना चाहिए। बिंदु नंबर 13, हमें हेल्थी हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए, हमारे डेली लाइफ स्टाइल में उनको ऐड करना चाहिए। जैसे कि खाने से पहले हाथ धोते हैं, खाने के बाद ब्रश करते हैं, रात को सोने से पहले थोड़ा पानी पीते हैं, और रात को भी हमारे हेल्थ के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं वो सोच के सोना चाहिए। मजबूत स्वास्थ्य के लिए बीमारियों से बचने के लिए सब जरूरी है। हमें एडिक्शन से बचना चाहिए, नशे से बचना चाहिए। नशा क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, चाय कॉफी तंबाकू स्मोकिंग ड्रिंकिंग इस टाइप की, आपके टीवी देखने की, दिन में सोने की, फालतू की बातें करने की, वो ये सोशल मीडिया पे चिट चैट वाकर कुछ भी करने की, नेगेटिव गॉसिप करने की, वो उससे हमें बचना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जो चॉकलेट भी खाते हैं, कई तरह के लोग होते हैं इस तरह की, हमारी गंदी आदतें हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, उनसे हमें अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। पॉइंट नंबर 14 का भाग 1, पॉइंट 1, तो हमें हमारा हेल्दी डाइट को फॉलो करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए हमें जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, जो हमें सूट नहीं करते हैं। कोई और खा रहा है उसको अच्छा लगा तो हमने भी ले लिया, जबरदस्ती ले लिया, वो अच्छा नहीं है। हमेशा हमें कुदरती चीज और एकदम ताजी वस्तुएं, ऑर्गेनिक फूड मिले तो बहुत अच्छा, फ्रूट मिले वही ऑर्गेनिक, वेजिटेबल है सलाद है ये ऑर्गेनिक हो, या ड्राई फ्रूट हो, या फ्रूट का जूस हो, ग्रेन अनाज वगैरह कुछ अंकुरित करके कुछ दालें, वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। ये सब कौन सी, ऑर्गेनिक, और हमें अवॉइड करना है। क्या क्या अवॉइड करना है, हमें प्रोसेस्ड वस्तुएं जो होती है, ऑयली होती है, जो नमकीन होती है मसालेदार, या सुपर फाइन फ्लोर यानी मैदा की बनी हुई वस्तुएं हैं जिसमें ज़्यादा शक्कर है या ज़्यादा नमक डाला हुआ है, उस टाइप की कोटेड हो गई वो वस्तुएं। रिफाइंड शुगर भी बहुत हानिकारक है, रिफाइंड नमक भी आता है, रिफाइंड ऑयल जो है वो भी हानिकारक है। इसीलिए तेल हमें बदल बदल के ब्रांड का यूज करना चाहिए। कच्ची घानी का जो सरसों का ऑयल आता है वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये सब हमें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। चॉकलेट है वो भी हानिकारक है, जंक फूड जो हम खा देते हैं पिज्जा बर्गर लगातार वो अच्छा नहीं हो सकता, तंबाकू नहीं हो सकता, उसके प्रोडक्ट अच्छे नहीं हो सकते, कंटिन्यू आइसक्रीम खाने की आदत पड़ी हुई है वो भी अच्छी नहीं हो सकती, मिठाई खाने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ी है तो भी हानिकारक होगी कभी ना कभी, चाय है कॉफ़ी है जो हम पी लेते हैं लगातार एक के ऊपर दबा देते हैं, अल्कोहल भी बहुत ज़्यादा लिमिट में, इस प्रकार की ये में हानि पहुंचाती है, बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठा करती है और वो सब कारण बनते हैं बीमारी के, और फिर हमें कमज़ोर से कमज़ोर कर देते। तो हमें सब सोच समझ के करना चाहिए वस्तुओं को जो हम बॉडी में ग्रहण करते हैं, इसके लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 14 का भाग 2, हमें हमारा जो खाने का एक नियत समय होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ग्रहण करना चाहिए, वो हमारा एज के अनुसार हो, एक्टिविटी के प्रोफेशन के अनुसार हो, उसका टाइम हो सुबह रात को सूर्य अस्त से पहले, सीजन के अनुसार हो, लोकेशन कैसी है कहाँ रहते हो उसके अकॉर्डिंग वो खाना होना चाहिए। सुबह का खाना माना जाता है कि हमें किंग साइज खाना चाहिए, मतलब कि थोड़ा मात्रा में ज़्यादा हो, दिन में एक राजकुमार की तरह मतलब उसमें भी भरपूर सब मात्रा हो, और रात को भिखारी जैसा, मतलब मिला तो अच्छा नहीं मिला तो सुबह तो किंग साइज खाने ही वाले हैं, वो अच्छा माना जाता था, जबकि अब हो रहा है उल्टा, उस वजह से रोग बढ़ रहे हैं। तो ये सब सोचने की समझने की जरूरी है। हम आपको यहाँ इन बिंदुओं के माध्यम से अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, आपको जो करना है वो करो,
हम आपको अच्छी चीजें आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से लेके आ रहे हैं। तो अभी खाने में क्या क्या यूज करेंगे हमें उसके अंदर हमेशा वेजिटेरियन फूड को बहुत अच्छा माना गया है, शायद इसी वजह से हमारा भारत विश्व गुरु था। पॉइंट नंबर 15, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही हमारी पूजा है। अब कर्म कोई भी हो सकता है, हार्ड वर्क करो या आजकल स्मार्ट वर्क लोग कंप्यूटर पे बैठ करते हैं, और हमारा पहले से ही जो निर्धारित काम है उसको हमें ईमानदारी से करना चाहिए और आनंद लेते हुए करना चाहिए, और काम को लगातार करना है, करुणा के साथ करना है, और हमें लाइक और डिसलाइक जो हमारी है उससे परे आगे बढ़ते हुए राग द्वेष का कोई भाव नहीं रखना है। याद रखना चाहिए हमें कि काम का कर्म का कोई विकल्प है नहीं मानव जन्म में। तो हमें हमारे जो भी सफलता और असफलता मिलती है उसके परिणाम से हमें हमारे कर्म से भटकना नहीं चाहिए, लगातार कॉन्स्टेंटली हमें उसमें लगना चाहिए, क्योंकि हमें वो जरूर मिलता है जिसके हम लाइक होते हैं, ना कि हम जिसकी इच्छा रखते हैं वो हमें मिलता नहीं है, लेकिन जिसके लाइक होते हैं वो हमें जरूर मिलता है। और बाकी क्या है, नाम है, पैसा है, प्रसिद्धि है, ये सब तो अपने आप आते ही है। पॉइंट नंबर 16, हमें जो हमारा प्रोफेशन है उसके बारे में लगातार चिंता करते हुए, चिंतन करते हुए उसके बारे में और पढ़ाई करते रहना चाहिए, स्टडी करते रहना चाहिए। और जब हम चूज करते हैं हमारा पैसा, तो हमें हमारे एप्टीट्यूड के अनुसार, अभिरुचि के अनुसार उसका चयन करना चाहिए, ताकि उसमें हमें हमारा पूरा दिल लगता है, इनर कैपेसिटी से हम उसमें लग जाते हैं और वो काम दुनिया में एक मिसाल बनता है। पॉइंट नंबर 17, हमेशा बड़े सपने देखो, सपने देखने का पैसा नहीं लगता है, उसके बारे में सोचो फिर हम करेंगे ऐसा सोचो और फिर करना शुरू कर दो, हाँ इससे, और राइट एक्शन ले लो, उससे अमेजिंग रिजल्ट आएंगे और हमारा काम जल्दी बनेगा। पॉइंट नंबर 18, हमें हमारे खुद के पसीने की मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, शॉर्टकट के रास्ते हमें अर्निंग अगर एक्स्ट्रा करते हैं कोई तरीके से जुगाड़ लगा करके, तो वो हमें कुछ समय के लिए आराम दे सकते हैं, लेकिन अंतिम खुशी वो कभी नहीं देंगे। हम देख सकते हैं, जान सकते हैं कितने घोटालेबाज लोग जेल आते हैं, जाते हैं, समाज में बदनामी होती है, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 19, हमें हमारा इनकम का 10% 10% जो भी कमाते हैं खुद के विकास के ऊपर खर्च करना चाहिए, कहीं सेमिनार कुछ और भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, और 10% हमें हमेशा समाज के लिए, सोशल कमिटी के लिए खर्च करते रहना चाहिए। कुछ गरीब हैं या जिसको जरूरत है उन लोगों की हेल्प करना चाहिए, ताकि वो लोग आत्मनिर्भर हो सके और उससे हमें मिलेगी आत्मसंतुष्टि जो बाप खरीद नहीं सकते हम। बिंदु नंबर 20, हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, नॉलेज को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, अंदर से हमारे ज्ञान को वृद्धि करने की कोशिश करते रहना चाहिए, भारत के प्राचीन ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। हम देखते हैं कि कई बार जो बातें उसमें लिखी रहती है वही फिर आज अंतरिक्ष विज्ञान में काम आ रही है, तो उस वजह से हमें एक अलग ही खोज करने की प्रवृत्ति पैदा होती है, और उसके आगे बढ़कर हम कुछ दुनिया में नया करते हैं, फिर जब नई क्रिएटिव होती है तो उस टाइम हमारी संतुष्टि एक अलग ही माहौल में होती है। दोस्तों, ये अभी तक मैंने जो आपको पॉइंट किया ये पूरा नहीं हुआ है, मेरा दूसरा वीडियो आएगा उसको भी जरूर देखिए, और आपको ये बातें अच्छी लगी तो बार बार सुनिए और अपने फैमिली में, फ्रेंड में, सभी को सुनाने की कोशिश करिए। मैंने ये अप्लाई करना शुरू कर दिया है, आप भी करिए, देख देख के, सुन सुन के सीखेंगे तो हम सबका भला ही होने वाला है। अपने धर्म को जो मानते हो मानो, लेकिन ये सब कॉमन बातें हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, जो कि हेल्थ होती है 10 प्रकार की, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, इथिकल, रिलेशनल, इन्वायरमेंटल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल, इन सब के लिए परिपूर्ण विकास के लिए हमारे लिए हेल्पफुल हैं। और ये सारे बिंदु आ रहे हैं आपको हार्ड कॉपी की बुक के रूप में जो बन रही है, और बहुत जल्दी मिलता रहूंगा। थैंक यू।